आजकल के नल्ले बेरोजगार लोग गोवा मनाली घूम लेंगे लेकिन अपने शहर के बारे में इनको कुछ नहीं पता। So I called up my old friend and we decided to explore our hometown, Bilaspur. भाई इतना awkward लग रहा है ऐसे बात करना ना। कि मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से नाराज़गी तेरी। हमने स्टार्ट किया सरकंडा से क्योंकि बचपन में मैं यही रहता था और कॉलोनी से जस्ट निकलते ही साथ राइट साइड में है स्मृति स्वीट्स, जहाँ हम बचपन में बहुत समोसे लेने आते थे। पहले बहुत छोटी पुरानी टाइप की दुकान थी, अब अपग्रेड होके बहुत सुंदर से बिल्डिंग में आ गई है। स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम नाउ वी हियर टाइप। साइड में बॉडी टेम्पल करके एक जिम भी है जहाँ मैं एक दिन गया था और 2500 रुपये सुन के वापस लौट गया। बहुत सेठ लोग वाला जिम है इसलिए मैंने 500 रुपये वाला जिम ज्वाइन कर लिया जहाँ लौंडे बनियान वगैरह में। एनीवे कॉलोनी से निकलते ही साथ वैसे पहले लेफ्ट साइड में सेंट्रल लाइब्रेरी पड़ता है, हम गए थे वहाँ लेकिन कोविड था तो हमको भगा दिया, तो बस बाहर से दिख पाया हमें। और फिर आगे लेफ्ट साइड में गुजराती होटल है जहाँ बिलासपुर में सबसे बढ़िया समोसे मिलते हैं, लाल कलर की इनकी चटनी बहुत फेमस। तो बेसिकली इस शहर में मेरे को यही पता है कि कहाँ अच्छे समोसे मिलते हैं, क्या चटनी कहाँ, और इसके अलावा मुझे कुछ खास नहीं पता। फिर आगे चल के अर्पा नदी पे पुराना वाला जो ब्रिज है, I mean, पहले पुराना था अब तो ये एक तरह से नया हो गया है, पहले सिर्फ बीच वाला छोटा सा ब्रिज था, अब इसे एक्सपैंड करके बहुत सही से बना दिया। इस साइड डबल लेन और उस साइड से भी डबल लेन। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा शहर भी अपग्रेड होता जा रहा है। एंड देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सनसेट, वी गॉट सम रियली नाइस पिक्चर्स। फिर हम कंपनी गार्डन गए जहाँ मैं बचपन में बहुत खेलने जाता था, अब शायद इसे विवेकानंद उद्यान भी कहते हैं और इसे भी शायद रेनोवेट किए हैं क्योंकि इट लुक्स अ लॉट प्रिटियर देन वी रिमेंबर इट एट लीस्ट। हाँ ये तो करने देंगे। ये है क्या वैसे? खुला? तो नहीं आएगा। ये। उसके बाद हम गोल बाजार गए। ये वन स्टॉप शॉप है। हाँ। हम लोग का स्टोर। हाँ। यार बहुत छोटा नहीं है, यही खत्म हो गया। मुझे लग रहा था कि ये है बड़ा गोल बाजार। नहीं, हम बहुत छोटे थे। हम बड़े हो गए तो कंफ्यूजिंग लग रहा है। देन वी वेंट टू मौसा जी जहाँ बहुत अच्छा समोसा चाट मिलता है। मैं कह रहा था कि मैं आया था ना क्या कहते हैं 8 साल बाद, जब क्या कहते हैं मतलब मैं कोरबा साइड से वापस आया तो लाइक मैं यहाँ का दही समोसा खाया ना, तो मतलब मेरे लाइक माई माइंड रिमेम्बर्ड, मेरे को याद था कि टेस्ट ऐसा उनका बहुत सही है उनका। फिर उसके बाद हम रामा मैग्नेटो मॉल गए और फिर हम लोग ऊपर फूड कोर्ट में बैठ के ऐसी कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे तो गार्ड भैया ने आके हमको डांट दिया, बोला कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, तो फिर हमको भागना पड़ा वहाँ से। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मॉल्स का बेस्ट चीज़ है कि वॉशरूम फ्री रहते हैं, वरना दिल्ली मेट्रो में वॉशरूम का भी 2 रुपये लगते हैं। ब्लडी कैपिटलिज्म यार। बॉम्बे में मेट्रो में जो मतलब मेट्रो स्टेशन में तो वॉशरूम होते हैं वो फ्री रहते हैं, उसमें 2 रुपये भी नहीं लगते। वन मोर रीजन व्हाई बॉम्बे इज बेटर देन दिल्ली। मुंबई वन दिल्ली जीरो। मुंबई वन दिल्ली जीरो। फिर उसके बाद हम गेमिंग जोन पे गए जहाँ सुरंजना ने इतनी खराब बाइक चलाई कि वो 8th पोजीशन पे आई और शायद 8 ही प्लेयर्स थे, बाकी मेरे को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं खुद बहुत ही घटिया चलाता हूँ। घूमने का मतलब अभी मेरे को सबसे रिलीफ इस चीज़ का लग रहा है कि अपन गिरे नहीं एक बार भी गिरे नहीं। और सुरंजना कह रही थी उसका वो है, सुरंजना इज वेरी गुड। मुझे सब बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी पैसेंजर हूँ। बहुत अच्छा बैठती है सुरंजना। हाँ, बहुत अच्छी पैसेंजर हूँ, हिलती बिलती नहीं हो ज़्यादा। और फिर बाहर जाके हमने वही किया जो हर इंसान मैग्नेटो मॉल आके करता है। फिर उसके बाद हम गए रिवर व्यू विच इज़ द मेन टूरिस्ट स्पॉट दीज डेज हमारे शहर का। सुरंजना तो खैर कुछ अलग ही शब्द यूज़ कर रही थी इसके लिए, बट मैं कहता हूँ कि इट्स अ वेरी नाइस रोमांटिक प्लेस वे यंग पीपल गो क्वाइट ऑफन। कपल्स का मीम देन है ये। ओके अच्छी बात तो है यार, कहीं ना कहीं जगह होना चाहिए। नहीं मतलब मैं वो सुनता था क्या कहते हैं मतलब वो जब कोविड आया था ना नया नया, तो लोग दिल्ली में सब वो हो रहे थे ना कि मास्क वास्क पहनने के लिए नाटक कर रहे थे, तो मैं सोचता था भाई ये छोटे शहर में प्रेमी प्रेमिका हाई स्कूल से पहन के घूम रहे हैं मास्क वगैरह कुछ चुन्नी वगैरह गमछा वगैरह, क्योंकि फिर वो घूमते घूमते को देख लेता है ना तो कुटाई हो जाती है घर में। सही बोला, एकदम तुमने सही बोला भाई, कुटाई हो जाती है घर में। बाकी मेरी नहीं हुई है, आई हैव नेवर बीन कॉट। यार अपन मॉल गए थे, साला रिकॉर्ड करने नहीं दिया वहाँ हमें, वो भगा दिया हमें ये कह के कि अलाउड नहीं गार्ड ने। सेंट्रल लाइब्रेरी से भगा दिया हमको, सब जगह से भगा दिया यार, कोई इज्जत नहीं है सुरंजना हमारी। बस पता है रिवर व्यू में तुम बोल रहे थे ना सारे छपरी लोग आते हैं, हम ही वो छपरी लोग हैं, हम ही, हमको कोई नहीं भगा रहा यार। बाकी सब जगह से भगा दिया, रिवर व्यू पर कोई नहीं भगा रहा। अभी देख लो कितना हो गया, 3 मिनट हो गए, 3 मिनट से बकबक कर रहे हैं। फिर अगले दिन हमने स्टार्ट किया हमारे पुराने स्कूल डीएवी बिलासपुर से। बस बस, इससे ज़्यादा पास मत जाओ। अभी वहाँ पे लोगों का फ्लेक्स का फोटो लगा हुआ है, तो उस फ्लेक्स में एक टाइम में मेरी भी फोटो थी। टॉपर लाइफ। फिर इसके बाद हम ये डिस्कस करने लगे कि फ्लेक्स बोर्ड को फ्लेक्स बोर्ड क्यों बोलते हैं। क्या ये इसलिए है कि लोग उसमें अपनी फ़ोटो लगा के फ्लेक्स करते हैं, या फिर फ्लेक्स वर्ड ही फ्लेक्स बोर्ड से ओरिजिनेट करता है? और फिर सुरंजना ने एक थर्ड मीनिंग भी निकाल दिया, वो बैनर फ्लेक्सिबल है इसलिए। बैनर फ्लेक्सिबल है, अबे लकड़ी लगा देंगे तो कैसे फ्लेक्स। ऐसी बातें बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और खाली वक्त के परिणाम हैं। हाँ बच्चे वहाँ से स्कूल का व्यू बहुत सही आ रहा है ना। फिर उसके बाद हम छठ घाट गए। About what? बेच दिए सारे आर्टिस्टिक सपने, बन गया छपरी यूट्यूबर। फिर उसके बाद हम रेलवे स्टेशन गए, और मेन तो हम ही हमर बिलासपुर के सामने फ़ोटो खिंचाने आए थे, लेकिन उसके जस्ट बीचों बीच किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी यार, एकदम सामने। तो आप लोग प्लीज़ इमेजिन कर लो कि हम लोग उसके सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर बिलासपुर। इट्स लाइक अ परफेक्ट मिक्स ऑफ अ स्मॉल टाउन एंड अ सिटी। इट्स लाइक अ प्लेस जहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं, लेकिन उनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। इट्स एट दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। We love being here and I hope you enjoyed watching this. नाराज़गी तेरी जानिसार है, जानिसार तेरे प्यार में मेरे यार, जानिसार हो। बहुत बढ़िया, थैंक्स। ग्रेट ग्रेट, ओनली गुड थिंग। एक इस एटलीस्ट इस व्लॉग में एक चीज अच्छी रही है, तुम्हारा गाना रहेगा, बाकी छपरी ने सुसाइड।